हेलो दोस्तों, आई एम मुकेश फ्रॉम प्रभाव क्रिएशन एंड वेलकम टू कॉपी पेस्ट संडे, अ वीकली सीरीज जहां हम रिक्रिएट करने वाले फेमस मूवीज एंड म्यूजिक वीडियोस के वीएफएक्स एंड वो भी बिल्कुल लो बजट में। सो आज का जो इफेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं वो है ये। दोस्तों आज का जो इफेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं वो है इन्फिनिटी वॉर मूवी का डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीपल हैंड वाला इफेक्ट। और स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ हम आ जाते हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट में और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ हमारे वीडियो को और ये वीडियो इंपोर्ट हो चुका है। इसे मैं यहाँ पर कंपोजिशन के आइकॉन में ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कि हमें किस जगह से एनिमेशन स्टार्ट करना है और यहाँ से किस जगह पर एनिमेशन एंड करना है। आप चाहें तो इसे ग्रीन स्क्रीन पर भी शूट कर सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसे लो बजट पर क्रिएट करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप बिना ग्रीन स्क्रीन के भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो है मैं उसे फिर से यहाँ पर उठाकर ड्रैग करता हूँ हमारे कंपोजिशन में और स्टार्टिंग फ्रेम पर आकर मैं यहाँ से करता हूँ राइट क्लिक एंड टाइम और टाइम पर जाकर फ्रीज फ्रेम। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो लेयर है जिसमें से नीचे वाला बैकग्राउंड है जो कि स्टिल फ्रेम है और ऊपर वाला फोरग्राउंड है जो कि हमारा मेन वीडियो है। तो अब मैं हमारे वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाता हूँ इफेक्ट की और डिफरेंस मैट। यहाँ पर हमने डिफरेंस मैट यहाँ पर लगा दिया और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ हमारा जो नीचे वाला बैकग्राउंड है वो वाली लेयर को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे हाइड करता हूँ नीचे वाला बैकग्राउंड तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट फोरग्राउंड मिल चुका है और अब इन वैल्यूज के थ्रू हम इसे प्रॉपर सेट करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ फिर से हमारे इफेक्ट के अंदर यहाँ पर मैट और मैट के अंदर मैट चोकर। सेम हम इसकी वैल्यूज को इंक्रीज और डिक्रीज करके हमारी फुटेज को और ज़्यादा क्लीन करेंगे। इस मेथड से एकदम एग्जैक्ट क्लियर तो नहीं मिल सकता लेकिन हमारा काम चल सकता है। एंड इसके बाद हम यहाँ से फ्रेम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा हैंड मूवमेंट है उसके लिए, लेकिन क्योंकि हमारा वीडियो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है और यहाँ पर हैंड मूवमेंट हो रहा है तो उसमें मोशन ब्लर आ रहा है, तो इस वजह से हम देखेंगे किस जगह पर हमें क्लियर हमारे हैंड मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ और ये इस जगह पर मुझे लग रहा है यहाँ पर ये क्लियर आ रहा है। सो मैं यहाँ से इस लेयर को डुप्लीकेट करता हूँ और उसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर R1। एंड उसके बाद मैं यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस राइट साइड वाले हैंड के चारों तरफ मास्क क्रिएट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर टाइम एंड फ्रीज फ्रेम। अब हम इस लेयर को यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे और इसका नाम यहाँ से चेंज कर देंगे L1 एंड M प्रेस करके यहाँ से इस मास्क को यहाँ से डिलीट कर देंगे। और उसके बाद वापस से जो हमारा सेकेंड साइड का जो हैंड है यहाँ पर हम पेन टूल लेकर एक नया मास्क क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ही हमारा मास्क कंप्लीट हो चुका है और यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पर दोनों लेयर्स आ चुकी है। ये हमारा लेफ्ट वाला हैंड है और यहाँ पर ये हमारा राइट वाला हैंड है। अब मैं हमारे लेयर को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से हैंड बिहाइंड टूल लेकर
इसका जो एंकर पॉइंट है इसे शोल्डर के कोने पर यहाँ पर सेट करूँगा। सेम एज इट इज दूसरे हाथ पर भी मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट सेट करूँगा। अब हेडर को मूव करके मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि कहाँ से हैंड को अपेयर करना है, तो ये जगह सही रहेगी। अब यहाँ पर मैं आर प्रेस करके रोटेशन वैल्यू को ओपन करता हूँ और यहाँ से इस हैंड को रोटेट करके हमारे जो वीडियो फुटेज है उसकी पोजीशन पर लाता हूँ जहाँ से हमें इसे अपेयर करना है, एंड इस पॉइंट पर मैं लेयर को यहाँ से कट कर देता हूँ। अब सेम एज इट इज मैं दूसरे हाथ पर भी हमारे ये पूरी प्रोसेस करूँगा। अब L1 लेयर को सिलेक्ट करके जहाँ यहाँ पर स्टॉप वॉच दिया हुआ है रोटेशन के साइड में, वहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक्सप्रेशन में यहाँ पर टाइप करूँगा विगल ब्रैकेट ओपन 1.8 ब्रैकेट क्लोज, जिससे हमारे हैंड में मूवमेंट आ जाएगा और वो स्टील फ्रेम की तरह नहीं दिखाई देगा। सेम प्रोसेस मैं दूसरे हैंड पर भी करता हूँ यहाँ पर एज इट इज। इसके बाद मैं हमारी L1 और L2 लेयर्स हैं उन्हें डुप्लीकेट करूंगा और सेम प्रोसेस को फिर से एज इट इज अप्लाई करूंगा। तो हमारी लोअर साइड की आर्म्स रेडी हो चुकी है। अब हम टॉप साइड की जो हमारा हाथ है उनके ऊपर की साइड का एनिमेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं इस जगह पर उसे फ्रीज फ्रेम कर देता हूँ उस फ्रेम को, और जैसा कि हमने पहले किया था सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर भी लेयर की कॉपी करके और पेन टूल की मदद से यहाँ से इसे मास्क कर लेंगे। एंड सारी प्रोसेस को एज इट इज अप्लाई करेंगे। इसके बाद लास्ट में जो हमारा एनिमेशन का एंड होगा उसके लिए हम जो हमारे हैंड है उन हैंड की लेयर्स को सेट करेंगे किस पॉइंट पे जाकर वो वापस से डिसअपेयर होंगे, और उस पॉइंट पर जाकर हम हमारे लेयर्स को लास्ट से कट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो वहाँ से वो हैंड डिसअपेयर होना चालू हो जाएंगे। अब सेम एज इट इज़ हम नीचे वाले लेयर्स पर भी करेंगे। एंड दैट्स इट, हमारा एनिमेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन सा इफेक्ट सीखना चाहते हैं, तो मैं उसका भी ट्यूटोरियल आपके लिए बना दूँ। तो अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट कॉपी पे संडे में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।